खाना पीना भी खा लिया और अभी टाइम हो रहा है 7:15। और अभी बस मैं अपने बैग में पावर बैंक और डाटा केबल सब कुछ डाल रहा था, क्योंकि अभी बस जाना मेरे को 7:30 पे यहाँ से निकल लेना, 8 बजे की बस है और बाय वॉक मुझे बस स्टैंड तक जाना है। उससे पहले मैं नीचे जाके चाय भी पीऊँगा, तो इसलिए मैं फटाफट अभी रेडी हो लेते हैं। भाई गूगल मैप में दिखा रहा है 20 मिनट का रास्ता और अभी टाइम हो रहा है 7:26। चाय पीना कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि अगर चाय पीने बैठ जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बस पकड़ पाता, इसलिए बस अभी फटाफट उसी चीज में फोकस करना कि फटाफट बस पकड़नी है। इतने सारे बुगुल्ले बैठे इधर जो समुन्द्र के ऊपर मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं, और सुबह सुबह इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए लोग खाना डाल जाते हैं इनको। यार या तो पता नहीं ये बादल हो रहे हैं, बारिश होने वाली है इसलिए गर्मी लग रही है, या पता नहीं मैं ज़्यादा वॉक करके आ गया कम से कम 1.5 किलोमीटर की इसलिए गर्मी लग रही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। यूजुअली इतनी गर्मी नहीं होती, शायद बारिश होगी, इतनी गर्मी तो बारिश ज़रूर होगी। तो भाई आ गए हैं अपना एक्सपो 2020, बस ने अभी ड्रॉप ऑफ किया, मैं तो सो गया था यार जब सारे उतरने लगे, जब जाग आ गई थी। बढ़िया फ्रेश फील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कल रात को मैं सोया था लगभग 2 बजे। भाई जब मैं बस में चढ़ा था मेरे को मेरे दोस्त बता रहे थे कि यार वो काफ़ी कुछ पूछेंगे, वो पूछेंगे कि भाई आपने आपका PCR टेस्ट दिखाओ, मतलब ग्रीन स्टेटस शो होना चाहिए अल होसन ऐप में, और आपकी टिकट दिखाओ। मेरे से तो कुछ भी नहीं पूछा, मतलब मेरे से नहीं किसी से भी नहीं पूछा, आराम से सारे बस में आए, किसी से कोई डिटेल नहीं ली, और अभी तक कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है भाई क्या कर रहे हो, कौन किस लिए जा रहा है। आई थिंक वो जब होता है जब ज़्यादा भीड़ होती है, या जब फ्राइडे सैटरडे मतलब जब ऑफ डेज होता है उस टाइम के टाइम में। पीछे देख रहे हो भाई पूरी चेकिंग होती है अभी, मतलब एंट्री करने से पहले वैक्सीनेशन, मतलब एक तो आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए और आपके पास टिकट वैलिड टिकट होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आके यहाँ पे स्कैन करते हैं ये लोग, स्कैन करने के बाद ही एंटर होती है। 2 बार टिकट के लिए पूछे, एक तो एंट्री के टाइम कहीं पे किसी बंदे के पास नहीं होती ना, वो ऐसे ही अंदर चला जाता है, और एक बार अंदर जाने के बाद उन्होंने स्कैन किया था, और एक बार चारों तरफ देख लो, म्यूजियम काइंड ऑफ थिंग, फ्यूचरिस्टिक थिंग। ये मैप लिया था मैंने, इस मैप में देखते हैं अभी क्या है रख के, तो ये पूरा मैप है भाई। इसमें तो जैसे कि यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी अपॉर्चुनिटी गेट, और इसके बाद तो बहुत बड़ा यार ये, तो चल देखते हैं अभी घूमते हैं। सबसे पहले ये है इराक का, इराक है ना, इराक में देखते क्या है। हाँ भाई रोशन क्या हाल है, ठीक है। मैं इधर ढूंढ रहा हूँ यार, मैं देख रहा हूँ उधर से आया था उसी टाइम देख लिया था मैंने। अच्छा, मेरे को लगा मैं कॉल कर रहा हूँ। तो भाई अपना हिसार का भाई जो कि हमारे काफी पुराने यार मित्र है, और साथ में पहले वीडियो भी बनाते थे, फोटो शूट के लिए जाते थे, आज देख ले भाई दुबई मिल रहे हैं, कितना लकी टाइम है। बाद भाई इसके पास टाइम नहीं है भाई, मैं कब बुलाता हूँ भाई को, कभी नहीं आया भाई, आज को बहुत टाइम बाद आया। चल फिर भाई, भाई आया तो चलो भाई के लिए गिफ्ट ले गया हूँ मैं। क्या गिफ्ट ले गया? एक्सपो का ऑफिशियल पासपोर्ट और भाई के लिए मास्क। एक्सपो का मास्क, पासपोर्ट दिखाइए, मास्क पासपोर्ट दिखा दे, मास्क तो देखे जाइए, देखो भाई एक्सपो का पासपोर्ट। थैंक यू सो मच। कोई नहीं भाई, भाई ये ले, भाई के लिए मास्क भी। थैंक यू। कम दिस वे, ये देख लो भाई, ये पाकिस्तान का है और आगे ये लेबनान का है। बता यार कौन सा है? द प्लेस वेयर वी आर स्टार्टिंग राइट। रुक जा एक मिनट, ये बोल रहे भाई साहब। चल भाई बता। सो हाय गाइस, सो वेलकम टू एक्सपो 2020। टूरिस्ट गाइड। सो
So right now this park, this is known as the Sunset Avenue in our Expo 2020. हिंदी में एक्सप्लेन करना था भाई। अच्छा, तो ये अपना सनसेट एवेन्यू है इधर, और पीछे साइड हम जाएंगे वो सनराइज एवेन्यू है जहाँ अच्छा। पे आप लोग को स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया अच्छा। और अपना नॉर्वे, चाइना, दे ऑल कम्स इन द सनराइज एवेन्यू दैट साइड, एंड दिस इज द सनसेट एवेन्यू राइट हियर। अच्छा, वहाँ पे सनराइज है, यहाँ पे सनसेट वाला। ये आपको, ये मैं टूर भी कराऊंगा राहुल भाई को अच्छा। अपना ट्रेन का एक्सप्लोरर का टूर भी देंगे इसका। Okay. That side we have Monaco, and this side we have the UK, and also the best, like Luxembourg we have here. कौन सा best? Luxembourg, that's for the slide. Like most of the people come here for the sliding. Sliding, huh? Yeah. Yeah, yeah. I see lots of TikTok videos. Exactly. And that side we have our the heart of Expo, that is Al Wasl. Once we go ahead, you'll see that. Okay. Hi. How are you? These all are our hosts which will help you once you come in Expo 2020. They will guide you with the direction where you have to go. मतलब इतने सारे बंदे हैं यहाँ पे बताने के लिए आपको, मतलब हर बंदा आज ये क्या बताना, बताओ, पूछो हमसे। Everyone is here for your help and kindly speak in Hindi so my people can understand. You know very well that our Haryanvi doesn't know English. No, most of people know, but still Hindi अच्छा। Most of people know because you have done होटल मैनेजमेंट, सो यू नो वेरी वेल इंग्लिश, मच वेरी वेल, बट इवन आई डोंट नो, आई एम लिविंग इन दुबई इन कतर फॉर मोर देन टू ईयर, स्टिल आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश एंड आई डोंट लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई लव टू स्पीक इन माई मदर टंग लैंग्वेज बिकॉज एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। यार ये सारी बात मैं इंग्लिश में बोल गया और ज्ञान दे तू है हिंदी पे। चल फिर बता कौन सा अभी कहाँ चलना है। हाँ अभी हम चलते हैं, अभी देखो टाइमिंग तो 10 बजे से है की, लेकिन हम एक काम करते हैं लगजमबर्ग चलते हैं, 5 मिनट रह गई है। हाँ लगजमबर्ग खड़े होते हैं, देखते हैं इफ इट इज अवेलेबल, ओके, और एल्स विल गो टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया चलेंगे जाके, मजा आ जाएगा भाई। अच्छा हाँ, एंड ऑल्सो गाइज इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर विद इन दिस मंथ सो यू कैन शो यू लाइक दीज आर आवर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और अगर आप लोगों ने 17 स्टैम्प्स कलेक्ट किए, अलग अलग लोकेशंस पे है इसके एलोकेट किए गए हैं, अगर आपने 17 स्टैम्प्स कलेक्ट किए पूरे एक्सपो में घूम के, तो आपको सीजन पास मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सीजन पास मिल जाएगा अगर आप किसी भी 17 इनके 17 म्यूजियम में जाओगे तो आपको सीजन पास मिल जाएगा, उसके बाद आप कभी भी आ सकते हो। यही बात है ना भाई, भाई को बग्गी की राइड भी कराएंगे और एवरीथिंग। Let's ask them if it is available around Luxembourg night. ये देख लो भाई साहब, VIP एंट्री करवाओ भाई। यार रोशन भाई सही टाइम पे मिल गया। बिल्कुल भाई, मैं तो बोलता ही हूँ मेरे जितने भी फ्रेंड्स आओ यार, सबको पूरा स्पेशल एक्सपो टूर मिलेगा फ्री ऑफ। बाकी अपनी फैमिली को भी घुमा दे यार, अभी इतना अच्छा मौका मिल गया तो पासपोर्ट बनवा के घुमा दे उनको भी। बिल्कुल, मैं प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली, आई एम जस्ट लुकिंग, अभी कतर जाने का मेरा प्लान है यार, कतर फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा उधर, मतलब ये कस्टमर सर्विस के लिए, राइट? फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाऊंगा मैं। So here we met an amazing guy. His name is Salim. Salim. So Mr. Salim, can you please tell everyone that please subscribe to RD Vlogs. Please subscribe to RD Vlogs. Yeah. You will. Into resource for Luxembourg. Thank you guys. Please enjoy your visit. So 2050 में एंट्री होने लग रही है, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते यार वो 2000, वो फ्यूचरिस्टिक मूवी में इस तरह का कुछ बना होता ना। स्क्रीन देख रहा तुम यार, you will love that. The video. सब कुछ, अब इसकी स्टैंप ले लेते हैं। ये आ गई भाई लक्ष्मण। चलो एक देश तो घूमे, बाकी देश और। हाउ वाज राहुल, हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैन? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मतलब झूले में तो इतना मजा नहीं आया, बट जो वीडियो थी वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी, बहुत अच्छी लगी। तो लक्समबर्ग में जरूर आना भाई, बहुत ही नाइस है, बहुत सही, बहुत सही है गाइस, बहुत सही, आप आना जरूर, यहाँ पे स्लाइड मिलेगा। एंड मोरओवर वी आर लकी दैट इन्हें मैनेज किया मॉर्निंग में आने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में इतना भीड़ नहीं है। आज ही मेरी छुट्टी थी, अदरवाइज भीड़ तो बहुत होती है इधर, है ना? बहुत होती है गाइस, बहुत से ज्यादा भीड़ होती है। एंड दैट साइड आई विल शो यू गाइस, दैट साइड वी हैव यूके, बट
we won't be go there. We were going there. We'll be going that side, right towards why the. Not going? I'll tell you why. भाई रोशन अभी कौन से मिलेंगे चल रहा है? अभी हम जा रहे हैं सऊदी अरेबिया. अच्छा सऊदी अरेबिया. बहुत सही है सऊदी अरेबिया. अच्छा मेरे को यार एक वो दुबई का भी जरूर देखना. दुबई का मैंने बहुत सुना है नाम कि दुबई में बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है. यूएई? यूएई का. हाँ ठीक है फिर यूएई उसके बाद में ही है. अच्छा साथ में ही है. हाँ साथ में ही. उधर हमने एक्चुअली में पूरा दुबई का जो रेवोल्यूशन हुआ है वो हम शो किया है. हाउ लाइक कैसे उन लोगों ने इतना डेवलप किया. जो हमारे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का एक प्रॉमिस है कि वी हैव समथिंग फॉर एवरीवन इन एक्सपो 2020. सो वंस यू कम हियर वी विल गेट एवरीथिंग यू वांट. सो जस्ट हैव पेशेंस जस्ट फिक्स अ शेड्यूल एंड कम एक्सपो 2020. यार माल्टा का भी जरूर देखना क्योंकि काफ़ी लोग माल्टा जा रहे हैं दुबई से. मेरे दो दोस्त जा रहे हैं अभी माल्टा डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए माल्टा में. इधर थंबनेल अच्छा है इधर ले लेते हैं यार. यार बोल चलना पड़ता है यार सऊदी अरबिया वाले में तो देखियो कितना ऊपर से सीधा डायरेक्ट भी तो आ सकते हैं हम लेकिन ऐसे घूम घूम के आना पड़ता है. भीड़ होती है ना तो एक साथ नहीं डाल सकते सबको. ये थोड़ा टाइम भी लगता है और व्यू भी एंजॉय करते हैं. ये हमारा वाटर फाउंटेन है. आ गया भाई हम सऊदी अरबिया वाले में. मैं और रोशन यार साउंड इफेक्ट भी बहुत अमेजिंग है. बहुत सही है भाई है ना. मतलब 3D किया हुआ है विजुअलाइजेशन रेप्लिका ऑफ सऊदी अरेबिया. सही है. जो आप देख रहे हैं तो साइड व्यू है इसका और ये देखो नीचे टॉप व्यू. ये नीचे इसका ऊपर से नीचे का शॉट है और ये साइड व्यू है इसका. लोकेशन नियर ही इसकी अभी सऊदी अरेबिया के किस कोने में है लोकेशन. हाँ सो गाइस ये हम चलते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाइडोस्कोप है. दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाइडोस्कोप है. तो जैसा कि रोशन भाई ने बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइडोस्कोप है. आपको पता है ये बस एक सिंगल स्क्रीन है और सिंगल स्क्रीन से मतलब चार पांच ऐसे क्रस्ट हो गए. ये इतनी बड़ी स्क्रीन लग रही है और नीचे भी देख सकते हो आप कितना बढ़िया अमेजिंग स्टफ है यार. तो गाइज अपन दो पवेलियन में घूम चुके. एक तो पहला था लक्समबर्ग और ये दूसरा है सऊदी अरेबिया. और आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो इसलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और बाकी के जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना. ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड रोशन भाई थैंक यू सो मच फॉर यू टू. ओके दोबारा भी आना यार प्लीज कॉल मी यार कॉल नहीं करते तुम यार. तो कोई भी भाई अपना हरियाणा से आता है रोशन का नंबर दिया मेरे को बताना मैं दूंगा इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से घुमाएगा भाई. आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टूर है होगा बिल्कुल. सब चीज राइड होगा आपको पासपोर्ट दिया जाएगा सब चीज जो मेरे से होगा आई विल डू फॉर यू गाइस. भाई साहब इतना हेल्प करने वाला बंदा बहुत ही रेयरली मिलता है तो थैंक यू सो मच फॉर रोशन. एंड आ जाना भाई एक्सपो. ठीक है.